हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्किन कैंसर जैसा जो रोग होता है वो किन कारणों से होता है और आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे आप स्किन कैंसर से बच सकें। फ्रेंड्स, त्वचा का कैंसर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस समय, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये किन कारणों से होता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग सूरज के संपर्क में बहुत कम रहते हैं यानी कि धूप सही से नहीं लेते हैं, उन लोगों को भी स्किन कैंसर की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में धूप लेते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सूरज के संपर्क में रहते हैं, सूरज की किरणों में रहते हैं, उन लोगों को भी खास तौर पर स्किन कैंसर जैसी समस्या हो जाती है। तो फ्रेंड्स, दोपहर के समय ज़्यादातर बहुत तेज़ धूप आप ना लें। धूप लेना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन कम मात्रा में ही आपको सुबह की धूप लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा देर तक धूप में बैठे रहने वाले लोगों को भी स्किन कैंसर जैसी समस्या देखी गई है। विशेष तौर पर जिनकी त्वचा गोरी होती है उन लोगों को कैंसर की संभावना ज़्यादा पाई जाती है। फ्रेंड्स, इसका एक और कारण होता है कि विटामिन बी की कमी होना आपके शरीर में। फ्रेंड्स, जो लोग इस तरीके के अनाज या इस तरीके के खनिज तत्व या अनाज, मोटे अनाज, दान या मूंगफली, बादाम जैसे पोषक तत्वों का सेवन नहीं करते हैं, उनके शरीर में इनकी कमी हो जाती है, विटामिन B3 की कमी हो जाती है, जिसके कारण स्किन कैंसर जैसी संभावनाएँ होने लगती हैं। फ्रेंड्स, संतुलित आहार जो कि आजकल हम बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं, तो जो लोग संतुलित आहार ग्रहण नहीं करते हैं उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जो कि उनके लिए स्किन कैंसर का कारण बनती है। यदि फ्रेंड्स आपके स्किन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हमेशा होती रहती हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में ये स्किन कैंसर का रूप ले लेती हैं और इससे आपको गंभीर समस्या हो सकती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो लोग अधिक मात्रा में केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं यानी कि नहाने के लिए साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, और जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल या फिर क्रीम इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं, इसमें भी काफ़ी मात्रा में केमिकल होते हैं जो कि कई बार स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्या पैदा कर देते हैं और बाद में वो स्किन कैंसर का रूप ले लेता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कारण बनती हैं स्किन कैंसर के। फ्रेंड्स, इनसे बचने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप संतुलित आहार लेना शुरू कर दें। फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो लोग विटामिन B3 का सेवन कम मात्रा में करते हैं उन लोगों को भी मूँगफली, बादाम, मोटे अनाज, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए ताकि उनको विटामिन B3 की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। संतुलित आहार करें ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और आपको स्किन कैंसर जैसी समस्या ना हो। सूरज की किरणें उतना ही लें जितना आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि सुबह के समय धूप आपको लेना बहुत आवश्यक है। बहुत ज़्यादा देर तक आप धूप में ना बैठें, नहीं तो ये स्किन कैंसर का कारण बनती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, यदि आप स्किन में किसी प्रकार के इन्फेक्शन से लंबे समय से परेशान हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि बाद में ये स्किन कैंसर का कारण बनती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे कारण जो कि स्किन कैंसर के लिए प्रभावी होते हैं, यानी इनसे स्किन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इनका ज़रूर ध्यान रखें और आप भी स्किन कैंसर से बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।